सरसों उत्पादक किसानों को इस साल पहले जैसा फायदा नहीं मिल रहा है। लगभग साल भर पहले जहां सरसों का भाव 8000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर था, वहीं इस समय 6000 से ये बता दें 6500 रुपए तक का रेट चल रहा है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य साल भर में ही 400 रुपए बढ़कर 5050 रुपए क्विंटल हो चुका है। यानी ओपन मार्केट में इस साल दाम बढ़ने की जगह पिछले साल के मुकाबले घट गया है। मार्केट विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी हफ्तों में किसान ज्यादा कीमत की उम्मीद में अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। दरअसल पिछले दो साल से किसानों को सरसों से अच्छी कमाई हुई है, लेकिन कीमतों में आई हाल की गिरावट ने उनके बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि ओपन मार्केट में दाम अभी एमएसपी से ऊपर है। बताया जा रहा है कि इस साल सरसों की आवक ज्यादा है क्योंकि उत्पादन पहले से काफी अच्छा हुआ है। साथ ही खाद तेलों के दाम में भी कमी को लेकर उठाए गए सरकारी कदमों का भी असर तिलहन मार्केट पर दिखाई दे रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने सालाना 2020 लाख टन क्रूड सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल के आयात पर आयात शुल्क और एग्रीकल्चर सेस को मार्च 2022 तक खत्म कर दिया है। पाम ऑयल का भी खूब इंपोर्ट हो रहा है, इससे भी सरसों के दाम पर दबाव है। वहीं बता दें कि रबी सीजन 2020-21 के मुकाबले 21-22 में सरसों की बुआई 18.32 लाख हेक्टेयर अधिक हुई थी। साल 2021-22 में 91.44 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई थी, जबकि 2020-21 में इसका क्षेत्र मात्र बता दें कि लगभग 72 लाख टन हेक्टेयर था। साल 2021 में 102.10 लाख टन ही सरसों का उत्पादन था। वहीं जबकि कृषि मंत्रालय द्वारा लगाए गए 2021-22 के तृतीय अग्रिम अनुमान के मुताबिक 117.5 मिलियन टन सरसों का उत्पादन हुआ है, जो अब तक अधिक है। वहीं हालांकि मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि मोपा के अनुसार भारत में सरसों का उत्पादन 11 मिलियन टन होने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन की वजह से भी इसके दाम में नरमी है। फसल वर्ष 2021-22 में भारत में सरसों तेल का उत्पादन 28.5% बढ़कर 3.67 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 2.85 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।